मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही है। निर्मला सीतारमण चुनावी साल होने के चलते अपने अंतिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं भी कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करना शुरू कर दिया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बता दें कि चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने शेष होने के चलते वित्त मंत्री इस बजट में कई बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं कर रही हैं। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही हाउसिंग प्लान लाने की तैयारी में है, जिससे सभी को सस्ता घर मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवार को प्रत्येक महीने 300 यूनिट निशुल्क बिजली दी गई है। जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी व्यवस्था ने सभी को फायदा पहुंचाया है और सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसके साथ ही आगे उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस लोगों को बेहतर रेल सुविधा देने का है। इसी के चलते वंदे भारत पर सरकार खासा ध्यान दे रही है और इसी के अनुरूप ट्रेन की 40 बोगियां अपग्रेड होंगी। वहीं देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में 1 करोड़ महिलाएं लखपति बनी हैं। उन्होंने कहा कि हमने लखपति दीदी योजना चलाकर लोगों को फायदा पहुंचाया है। सीतारमण ने कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिला है।